सांड की आंख डायरेक्ट किया इसे हीरा नंदानी ने, और जो इसके अंदर कास्ट है वो है तापसी पानू, जिन्होंने किरदार निभाया है प्रकाशी तोमर जी का, और भूमि पंडेनकर जिन्होंने किरदार निभाया है चंद्रो तोमर जी का, और इसके अलावा है प्रकाश झा, विनीत कुमार। काफ़ी लेट हो गया रिव्यू करने में क्योंकि इसी के साथ दिवाली स्टार्ट हो गई थी, फिर और फेस्टिवल मतलब कि भैया दूज हो गया था, तब करके मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया था। ये मूवी मैंने बहुत पहले देख ली थी, ये मूवी देख ली थी और हाउसफुल 4 देख ली थी, और एक मेड इन चाइना वो भी देख ली थी। अब उनका रिव्यू भी अब धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, यानी इस वीडियो के बाद उसका अगला हाउसफुल 4 का आ जाएगा, फिर मेड इन चाइना का आ जाएगा। चलिए अभी फ़िलहाल इनकी बात कर लेते हैं। सांड की आँख देखिए बायोग्राफी मूवी है, यानी किसी की जीवनी पर आधारित ही मूवी है। जीवनी पर आधारित मतलब कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत इंस्पायरिंग काम होगा डेफिनेटली, वो है प्रकाशी और चंद्रो दादी जो इस मूवी के जो मेन किरदार हैं, जिन्होंने 60 की उम्र में जाके निशानेबाजी स्टार्ट की, एक ऐसे परिवार से निकल के जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इस मूवी में दिखाई गई है। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि क्या वो जो इस मूवी के अंदर जितनी सारी रिस्ट्रिक्शन दिखाई गई हैं, क्या वो रियल में इतनी ही थी। हम उनके बारे में भी, इनके बारे में, इन सब तथ्यों के मतलब कि ये जो फैक्ट हैं वो इसमें दिखाए गए, उनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने ये मूवी देखी उसके बाद जैसे इसमें पुरुषों का जो किरदार निभाया गया है, मतलब पुरुषों के द्वारा जो इसमें किरदार निभाया गया है, कि कैसे सारे के सारे पुरुष जो हैं वो महिलाओं को दबाते हैं, उत्तर प्रदेश की एक कहानी है ये, जैसे उत्तर प्रदेश में कैसे सारे सारे पुरुष जो है वो महिलाओं को दबा रहे हैं, उनका मतलब हर जगह उनका काम करवा रहे हैं लेकिन वो खुद कुछ काम नहीं करते। जैसे इस मूवी में दिखाया गया कि प्रकाशी और चंद्रो दादी जो हैं इस मूवी के अंदर सारा काम करती हैं, घर का काम करती हैं, खाना बनाने का वो सब करती करती हैं, साथ में वो खेत में जाती हैं, वो फसल काटती हैं, फिर वो ईंट के भट्टे पे जाती हैं, फिर वो वहाँ काम करती हैं। जो पुरुष है वो क्या करता है, सिर्फ हुक्का पीता है, पत्ते खेलता है और संभोग के, सिर्फ इन चीज़ों का वो काम करने के लिए इस मूवी में दिखाया गया है। मतलब इस मूवी में पूरी तरह से ये दिखाया गया कि सिर्फ पुरुष जो है वो कुछ भी नहीं करता। मतलब प्रकाशी तोमर और चंद्र दादी तोमर जो हैं इस मूवी के अंदर, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बार बार पुरुष ही कर रहे हैं। मतलब कि जैसे उनके हस्बैंड हो गए उन प्रकाशी तोमर और चंद्र दादी के, और जब वो किसी टूर्नामेंट में जाते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चंडीगढ़ में जाते हैं, तो वहाँ पे सब लोग उनकी जो पहनावा है उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ जो यहाँ वहाँ युवा लड़का होते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं, जो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो ओल्डर एज के होते हैं मतलब वो उनका मजाक उड़ाते हैं। मतलब हर कोई, यानी किसी को भी नहीं बख्शा गया। जो एक आईजी लेवल का, एक जो पुलिस डिपार्टमेंट का, जो एक आईजी लेवल का जो पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की जो पोस्ट होती है, उस लेवल का बंदा भी इनका मजाक उड़ा रहा होता है। कमाल है, मतलब कि बस हर जगह इनका मजाक ही उड़ाता हुआ दिखाया गया है। फिर जैसे ट्रेन में वो ट्रेन में जा रहे होते हैं, एक ट्रेन का सीन होता है वहाँ पे इनका मजाक उड़ाया गया है। मतलब वो लड़के जो कुछ लड़के आते हैं वो इनका मजाक उड़ाते हैं। मतलब बस ये दिखाया गया है कि पुरुष जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाशी तोमर और चंद्र दादी का यहाँ पे सिर्फ मजाक उड़ाया है, या फिर कहें कि महिलाओं का सिर्फ वो मजाक उड़ाते हैं, महिलाओं का वो शोषण करते हैं। ये मूवी इस कदर मुझे लगी, हाँ, हर जगह सिर्फ बार 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 वही रिपीट करना कि पुरुष जो है वो क्रूर हैं, वो कुछ नहीं समझते महिलाओं को, ये सब दिखाया गया। सिर्फ एक या दो ही इसमें पुरुष जो है जिन्होंने प्रकाशी तोमर और चंद्र दादी तोमर को जो है सपोर्ट किया, एक तो उनके कोच है और एक और उनका कोच के साथ जो उनका असिस्टेंट होता है, बस वही एक दो बंदे हैं जो इनका सपोर्ट करते हैं, बाकी तो कोई भी इनको सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाया गया। अब बात करें रियल लाइफ में कि रियल लाइफ में क्या है। देखो मैं पर्सनल व्यू में आपको दूं तो जैसे मैंने ये मूवी देखी उसके बाद मैंने इनका सत्यमेव जयते में एक एपिसोड था वो देखा, जिनमें प्रकाशी तोमर और चंद्र दादी तोमर ने कहा कि जब इनकी जो टूर्नामेंट में गए थे, जब इन्होंने मेडल जीते थे और इनकी जो फोटो जो न्यूज़पेपर में आई थी, तब वो इन्होंने अपनी जो न्यूज़पेपर की जो फोटो थी वो छुपा ली थी कहीं घर वाले इनको रोक ना दे खेलने से। तो क्या होता है कि फिर कोच के कहने पे वो फोटो दिखाते हैं, वो मेडल दिखाते हैं अपने घर वालों को, और तब उनके घर वाले इस बात को समझते हैं और उन्हें खेलने के लिए अलाउ कर देते हैं। लेकिन मूवी में ये विपरीत दिखाया गया है कि भाई उनके जो मेडल हैं वो मतलब फेंक देते हैं, जो उनके अखबार हैं वो उनको दिखाते ही नहीं है। मूवी में तो वो बिल्कुल दिखाया ही नहीं गया, लेकिन अगर रियल लाइफ में इनकी बात करें तो रियल लाइफ में उनको खेलने के लिए आगे भेज दिया जाता है। देखो मैं
सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि इस चीज़ को कि हाँ पुरुष जो है वो वहाँ पे सही है या पुरुष जो है वो गलत है, मैं ये इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जो एक हकीकत है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी, एनसीआरबी अगर आपको नहीं पता तो गूगल में टाइप करके देख लेना। तो एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे देश के अंदर अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो रजिस्टर किए गए हैं पुलिस स्टेशन में, तो एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फिलहाल वैसे 2 साल लेट आई रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार जो हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर वो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद आता है महाराष्ट्र। ये रिपोर्ट बोलती है एनसीआरबी। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो वो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको बेशक मिल जाएगा। इस पे हो अल्लाह करने की कोई ज़रूरत नहीं कि हाँ मैं किसी चीज़ को कह रहा हूँ कि हाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, ये बकायदा है। और दूसरी चीज़ जो इस मूवी में दिखाई गई कि महिलाओं को ऐसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, देखिए पर्सनली मैंने ये चीज़ देखी है कि हाँ कि महिलाओं को वहाँ पर काफ़ी सारे जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अपने घर की महिलाओं को, देखो उत्तर प्रदेश के क्या बहुत सारे जो राज्य हैं, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेता क्योंकि इस मूवी में दिखाया गया है उत्तर प्रदेश की, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि भाई बहुत सारे जो मर्द हैं वो अपनी वाइफ को बाहर नहीं जाने दे रहे। मैं मर्द यूज़ शब्द यूज़ कर रहा हूँ, जो लोग जो हैं वो पुरुष जो है वो अपनी महिलाओं को मतलब कि अपनी पत्नियों को बाहर नहीं जाने देते, अलाउ नहीं करते। ये देख के मैं खुद हैरान हुआ है, खुद मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी है। मैं कह यार ये चीज़ आज की डेट में जो महिला कुछ करना चाहती है और उसको आज घर में कैद करके, फिलहाल आज की 2019 की जो स्थिति है उसमें भी ये चीज़ मैंने देखी है। तो कहीं ना कहीं ये मूवी जो मैंने देखी तो लगा कि हाँ यार ये बहुत से मुद्दों को उठाती भी है, केवल हम इससे इंस्पायर हुए। ये जो चंद्रो दादी और प्रकाशी दादी जो है इन्होंने जो कर दिया 60 साल की उम्र में, जो जैसे जाती हैं अपनी अपनी पोती को सिखाने और पोती तो नहीं सीख पाती, जब इन्होंने अपनी गन उठाई जो जहाँ पे वो गन रखी थी और गन उठा के सीधा ही बुलशाई के सीधा ही शॉट लगा उनका, मतलब कि बिल्कुल 10 नंबर के जो पॉइंट उन्होंने ले लिए, फिर दोबारा से कोच को बिलीव नहीं हुआ और तो दोबारा से कोच ने क्या कहा एक बार और लगाओ, तब भी उनका निशाना वहीं एग्जैक्ट लगा। ये चीज हम देखते हैं तो हमारे मतलब कि अभी रोंगटे ही खड़े हो जाते, जब अब मैं बता रहा हूं तो मेरे हाथों के तो ये रोंगटे ही खुद खड़े हो रहे हैं। मतलब वाकई में कि जिस उम्र में लोगों के चश्मा, मतलब मेरे भी अभी चढ़ा हुआ है, लेकिन उस वक्त वो उनकी आंखें कितनी तेज, उनके मतलब हौसले बुलंद कि उन्होंने वो कर दिखाया आने वाले टाइम में, जैसे वो अपने हालात से भी लड़े, एक 60 साल की उम्र के बाद उन्होंने वो अचीवमेंट हासिल की। ये इंस्पायरिंग हर एक इंसान के लिए जो सोचते हैं कि हाँ यार 30 साल के हो गए हैं तो यार अब मेरे हाथ में कामयाबी नहीं आएगी, वो ग्रो करना छोड़ देते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी है कि भाई अभी टाइम है, बहुत उम्र बाकी है, बस आप ट्राई करते रहो। ये आप लोगों के लिए भी इंस्पायरिंग मूवी है, ये उन महिलाओं के लिए भी इंस्पायरिंग मूवी है जो जिनको घर में दबा के रख दिया जाता है या जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, वो अपने हालात से लड़ें कि भाई हाँ अगर ये कर सकते हैं तो वो भी कर सकती हैं चीज़ को। तो मुझे ये ओवरऑल मूवी बहुत पसंद आई। अब काफ़ी सारे फैक्ट जो इसके अंदर, जैसे कि फसल काटना, ईंट के भट्टे पे काम करना, पुरुष कुछ नहीं करते, पुरुष का काम सिर्फ पत्ते खेलना और हुक्का पीना है, सिर्फ यही वो दिखाया गया है। तो इसके खिलाफ मैं थोड़ा सा मतलब मुझे ये थोड़ा पसंद नहीं आया कि बार 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 यही चीज़ दिखाना। आप एक लिमिट तक दिखा सकते हैं, जैसे कि जैसे इसमें मूवी में कैसे वो परिवर्तन हो रहे हैं, जो सिर्फ एक एक डायलॉग बोल देना ही इस मूवी में, जैसे मर्दों का परिवर्तन दिखाया गया कि एक औरत होती है वो कुछ बोल देती है और उसके बोलने पे कैसी उनके अंदर ड्रास्टिकली चेंज आता है एकदम से लास्ट के कुछ एक मिनटों में, वो मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हुआ है। मैं कहा इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाते तो अच्छा भी लगता है मूवी। बट मैं ये नहीं कह रहा ये मूवी खराब है या इसको देखनी चाहिए, देखनी चाहिए, हर एक को ये मूवी देखनी चाहिए, इंस्पायरिंग स्टोरी है। बाकी जो एक्टिंग जो की गई है भूमि पंडेनकर और तापसी पन्नू के द्वारा वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब पहचान में नहीं आ रहा कैसे उनका मेकअप आर्टिस्ट तो कमाल कर दिया इन्होंने, मतलब कैसे उनको वो गेटअप दिया है, कैसे उन्होंने उस भाषा को कैप्चर भी किया है, वो अमेजिंग था। बस इतना ही था कि इस वीडियो के अंदर कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हाँ एक्चुअल में क्या था। आई होप सो आप लोगों की पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है, अगर यहाँ तक देख लिया है तो क्या करना है, वही करना है भाई जो हर रोज़ कहता हूँ अपनी वीडियो में,
लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है और शायद अब तक तो देख भी ली होगी, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लो, लगी हुई होगी। अगर जिन्होंने देख लिया तो वो अपने विचार रख सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में। इससे थोड़ी सी वार्तालाप हमारे बीच में कन्वर्सेशन हो जाएगी। आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।